मध्य प्रदेश में जल्द शुरू होगा झमाझम का दौर, आज इन जिलों में बारिश के असर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। एक तरफ ग्वालियर चंबल में तापमान के बढ़ते पारे के चलते गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ वातावरण में नमी के चलते कई कई बौछारें पड़ रही है। हालांकि जुलाई के दूसरे तीसरे हफ्ते से मानसून के वापस सक्रिय होने के असर है। मौसम विभाग ने 2 जुलाई शुक्रवार को 6 संभागों और 4 जिलों में कई कई बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कोई वेदर सिस्टम सक्रिय न होने के चलते मानसून कमजोर पड़ गया है। वही मानसून रबी हिमालय की तराई की तरफ खिसक गया है, जिसके चलते बारिश का दौर थम गया है। हालांकि जुलाई के दूसरे तीसरे सप्ताह में मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना है, जिसके बाद फिर बादल छाने और झमाझम बरसने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने 2 जुलाई 2021 शुक्रवार को ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद, रीवा एवं शहडोल के जिलों के अलावा इंदौर, उज्जैन, भिंड और बुरहानपुर के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में बिजली चमकने और गिरने के साथ 18 प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने के भी असर है। वहीं 5 जुलाई को असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई है। बाढ़ को देखते हुए यहाँ रेड अलर्ट जारी किया गया है। जी दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो 27 जून तक 3 दर्जन से ज्यादा जिलों में जून का बारिश का कोटा पूरा हो चुका है, लेकिन 15 जिले दामो, पन्ना, अगरमालवा, अलीराजपुर, बड़वानी, भिंड, बुरहानपुर, दतिया, धार, ग्वालियर, इंदौर, खंडवा, खारगोन, मुरैना और श्योपुर में सामान्य से 21% बारिश से कम हुई है। इसमें ग्वालियर चंबल अंचल गर्मी और उमस से बेहाल है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।